उन्होंने एक नॉकडाउन जरूर निकाला गिल ने यहाँ पे आमचोर को पूरा फिनिश करते हुए, बट नियो नॉकडाउन होते हैं यहाँ पे, जी गॉड भी नॉकडाउन है, एंड देखते हैं जॉनथन किस तरह वाली फाइट निकालेंगे। एंड क्लच गॉड एक असिस्ट जरूर रहेगा इन दोनों प्लेयर्स का, एक प्रीनेट यहाँ पे फेंकेंगे जरूर क्लच गॉड। अब एंट्री देखते हैं कौन से गेट से करते हैं, बिकॉज दोनों प्लेयर्स रेडी हैं कहीं से भी एंट्री लेने के लिए। यहाँ पे नियो को पूरा फिनिश करेंगे, यूआई अब बाहर जरूर आएंगे, क्लच गॉड एक प्लेयर को नॉकडाउन करके, यूआई नॉकडाउन हो चुके हैं, क्लच गॉड ही इज वन एचपी ओवर देयर, कैवल फाइट निकाल पाएंगे, क्लच गॉड नॉकडाउन हो चुके हैं, अभी वाली फाइट आ चुके जॉनथन, ही डिड वन वर्सेस वन, ही डिड वन वर्सेस टू, एंड ये वाली फाइट जॉनथन बचा के जाते हुए टीएसएम के लिए, और क्लच गॉड यहाँ पे रिवाइवल के प्रोसेस में आएंगे, बट टीएसएम एंटिटी क्या सेव था वाला, जॉनथन ने एक मौके पे आके चौका मारा है। बिल्कुल बहुत ही शानदार फाइट देखने को वहां पे मिली थी, और इसी के साथ जिक्स और जीजीपी का शिकार हो चुके हैं, सिनर्जी के दो प्लेयर्स ऑलरेडी नॉकडाउन है, एक प्लेयर ऑलरेडी फिनिश हो चुके हैं, यौन जो उन भी रुकने का नाम ले रहे, मवी को भी बहुत ही शानदार नॉक इन्होंने दिखाला था, और आईएनडी के स्नैक्स भी यहाँ पे नॉकआउट हो चुके, सिर्फ भी यहाँ पे कोशिश करेंगे पूरी कि अपने प्लेयर को रिवाइव करें, उसके बाद सर्कल के अंदर भी प्रवेश करना पड़ेगा, बट ऑलरेडी यहाँ पे ऑरेंज रॉक के चारों प्लेयर्स तैनात है, यहाँ पे वीरू जा रहे हैं मवी को रिवाइव देने के लिए, उसके बाद फिर से वापसी गेटिंग जरूर करेंगे यहाँ पे सिनर्जी और T1 की स्क्वाड, इन दोनों को सर्कल के अंदर जाना पड़ेगा, बट देखना पड़ेगा कि कैसे वो अपना रास्ता बनाते हैं। बिल्कुल यहाँ पे ऑरेंज रॉक के प्लेयर्स को जरूर थोड़ा सा रास्ता बनाना पड़ेगा अपने लिए, बट वो लोग एक गेट कीप भी कर सकते हैं, T1 के प्लेयर्स भी पीछे से तीन किल उनके लिए चलते हुए आ सकते हैं, बट यहाँ पे मेगा वैक्सी लेफ्ट साइड आ रहे, सेडिंग के लिए दिक्कत हो सके, बिकॉज उन्होंने उसको स्पॉट नहीं करा, अब वैक्सी देखते हैं उन्हें स्पॉट करते कि नहीं, बिकॉज ओपन वाली फाइट थी, बट टीम आईएनडी के दो ही प्लेयर बचे थे जहाँ पे स्लियर ट्राई करेंगे, स्लैश को रिवाइव करके, बट यहाँ पे पैराडॉक्स ऑर्डर करके सेड इनको एंड पूरा फिनिश करेंगे। वैक्सी जेसीजेड अभी ट्राई कर रहे हैं बीटीआर से फाइट लेने के, माइक्रोबॉय को वो नॉकडाउन करने में सक्सेसफुल हो चुके, लक्सी ने वहाँ पे एक काउंटर शॉट एक काउंटर अटैक डाला है वहाँ पे वेब को नॉकडाउन करके, रिजल्ट टॉयलेट के प्लेयर्स एक अच्छा मैच यहाँ पे खेल रहे हैं, बट उनको यू कैन से एक और एग्रेसिव अप्रोच में जाना पड़ेगा, बिकॉज दे कैन गेट थर्ड पार्टी एनी टाइम, बिकॉज विकेंडी में बहुत ज्यादा क्लस्टर यहाँ पे देख रहे हो, बिकॉज 12 टीम है, छठा जोन है, 23 मिनट ऑलरेडी हो चुके इस वाले मैच को स्टार्ट हुए, सिनर्जी के तीन प्लेयर जिंदा है, जहाँ पे स्ट्राइडर अभी भी एक यू कैन से कमांडिंग पोजिशन में, जहाँ पे नीचे T1 के जो यहून है उनको पूरा नॉकडाउन कर सकते हैं, एंड ऑरेंज रॉक के क्या वीरू और मावी को पता है उनके पीछे एक प्लेयर प्रोन डाउन है डासिया पे। बिल्कुल आप पता तो जरूर होगा, यहाँ पे कोशिश करेंगे वो गाड़ी फोड़ने के लिए, बट इसी के साथ टीम आईएनडी की जो स्क्वाड है वो भी हो चुके हैं एलिमिनेट, सिर्फ भी को यहाँ पे आरआर क्योंकि अर्नी ने अपना शिकार बना लिया है, ऑस्टिन यहाँ पे बहुत ही चौकन्ने तरीके से खेल रहे हैं, और यहाँ पे कोशिश करें कि यहाँ पे T1 के यौन जॉन को पकड़ ले, बट यौन जॉन अभी भी प्रोन डेन है, ऑस्टिन काफी ज्यादा डैमेज ले रहे सर्कल के बाहर, फर्स्ट एड हीलिंग बैटल करने के लिए जाना चाहेंगे, बट यहाँ पे ऑरेंज रॉक के प्लेयर अच्छा खासा गेटिंग करते हुए अभी भी सर्कल के एजेस पे खेल रहे हैं। बीटीआर की स्क्वाड आपने देखा लेफ्ट साइड से आए थे, इस बार राइट तरफ से रोटेट कर चुके, अब देखना पड़ेगा आरआर की, बियर 11 ने भी एक और प्लेयर को पिक ऑफ कर दिया, और इसी के साथ केओजी की स्क्वाड हो चुकी है एलिमिनेट, वहां पे D2E को कंफर्म करते हुए नजर आया था मैं, ऑरेंज रॉक स्क्वाड गिल अभी भी नहीं रुक रहा चाहता, बिकॉज किंग ऑफ गेमर्स के बॉसा को भी वो पूरा फिनिश कर चुके हैं, यहाँ पे इसके चलते टीम सिनर्जी एलिमिनेट होगी, जहां पे वो फाइट ले रहे थे T1 के प्लेयर्स के साथ, और अब आरआर की अथीना भी एलिमिनेट होती हुई नजर आएगी, बिकॉज वहां पे वो फाइट एक इंटेंस फाइट चल रही थी जहां कोई भी टीम कहीं से भी फाइट ले रही, बट यहाँ पे ऑरेंज रॉक गिल ने आखिरी एक प्लेयर निकाल था बियर 11 को, सो ऑरेंज रॉक वर्सेस बीटीआर हुआ था इतने बड़े क्लस्टर में, और वो एक रिजल्ट लेके आया जहां पे आरआर क्यों एलिमिनेट हुई जरूर, बट यहाँ पे बीटीआर के टीम पर जिंदा है सामने वेल्डर्स के प्लेयर 1 HP जरूर है, बट यहाँ पे ऑरेंज रॉक स्काउट के वापस जक्सी को नॉकआउट कर पाएंगे, बट वापस इस ब्रेक कंटिन्यू करेंगे, जक्सी गॉट ऑलमोस्ट नॉक आउट, बट स्काउट को थर्ड पार्टी देखने को मिल रहा है पीछे की साइड से, एंड क्या कवर वहां पे बना पाएंगे कि नहीं, बट नहीं, आंसर इज नो, बिकॉज वैक्सी वहां पे नॉकआउट कर देंगे स्काउट को, एंड माइक्रो बॉय को एक सरप्राइज देखने को मिला, बिकॉज वहां पे वेल्डर्स के प्लेयर पीछे थर्ड पार्टी करते हैं, बट वहां पे मार्टिन को आखिरी एक बुलेट कनेक्ट होती हुई लक्सी की, बट गुडार्ड बचे हुए ग्रेनेड पुल हो चुका है, क्या बीटीआर का लक्सी वाला किल निकाल पाएंगे, मोलोटो भी फॉलोड अप फेंकेंगे जरूर, और ये वाला ग्रेनेड एक्चुअल उनके रॉक के पीछे आके गिरा भी, डैमेज थोड़ा बहुत दिया, बट जक्सी और लक्सी दोनों भाई की जुगलबंदी क्या वाली फाइट निकाल सकते, बिकॉज दे वॉन्ट टू गो इनसाइड द जोन ऑल्सो, बिकॉज अगला जोन इनके ऊपर बने ना बने बट सेंटर में जाना बहुत ज्यादा अनिवार्य रहेगा। यस वो जरूर रहेगा, और जॉनथन ने यहाँ पे मेगास्टार्स के फाइनल प्लेयर को पिक ऑफ कर दिया, और इसी के साथ मेगास्टार्स की स्क्वाड भी हो चुकी है एलिमिनेट, वाल्डर्स दी मर्डर के गॉड आर्ट अकेले प्लेयर बचे, ये एक अच्छा मौका है कि जो बदला है बिगेट्रॉन के साथ वो ले सकते हैं, बट बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा क्योंकि जो दो भाई हैं वो बहुत ही बेहतरीन खेल रहे हैं, और बेहतरीन खेलने की अगर बात करें ऑरेंज रॉक के प्लेयर्स ने ऑलरेडी यहाँ पे 10 किल्स निकाल चुके, चारों के चारों प्लेयर जीवित, और जक्सी बड़े आसानी से यहाँ पे गॉडेड को फिनिश ऑफ करते हुए, वाल्डर्स दी मर्डर भी हो चुकी है एलिमिनेट। बिल्कुल वहां पे जॉनथन भी पूरे फिनिश हो चुके, उसी के चलते यहाँ पे
टीएसएम एंटिटी एलिमिनेट होगी, बट यहाँ पे बीटीआर के दो प्लेयर दोनों भाई यहाँ पे तीन किल निकाल चुके, बट सामने ऊपर से ऑरेंज रॉकेट मावी जरूर पीक कर रहे थे, बट यहाँ पे एक ट्रेड निकाला पहले लक्सी का, बट फिर बाद में मावी नॉकडाउन होता है लक्सी के द्वारा, बट एक ट्रेड जो निकाल सके चलते हैं यहाँ पे थोड़ा सा रिवाइवल की प्रोसेस बनेगी जरूर, बट यहाँ पे लोकी को भी पूरा फ्रेज उसके चलते बॉक्स गेमिंग का स्क्वाड भी एलिमिनेट होगा, तीन टीमें मात्र जिंदा है। अब ऑरेंज रॉक का स्क्वाड चारों प्लेयर जिंदा है, 10 किल उनके पास ऑलरेडी है, क्या ये संतरी चट्टान यहाँ पे इस विकेंडी में एक चिकन डिनर निकाल पाएगी, बिकॉज यहाँ पे दो भाई और ऊपर चारों यहाँ पे साउथ एशियन टीम से एक इंडियन कंट्री को रिप्रेजेंट करते हुए चारों खिलाड़ी वो प्राउड वापस से फील कराना चाहेंगे, बिकॉज ये एक यू गाइस एक चुनौती जरूर है, बिकॉज वहां पे जक्सी ने जो लास्ट वाले मैच में करके देखा था क्या पता वापस से करके और एक बार वापस से क्या ऑरेंज रॉक रिवेंज ले सकते, बिकॉज हमको याद है डे टू में यहाँ पे ऑरेंज रॉक के सामने जो बीटीआर थी वो उस वाले टाइम पे चिकन निकाल के बट यहाँ पे वीरू एक बॉलेटो डालने की कोशिश जरूर करेंगे, बट वहां पे एक डायरेक्शन एक डिफरेंट थी, बट यहाँ पे जक्सी वापस से पीक करने की कोशिश करें, क्या यहाँ पे एक चिकन डिनर ऑरेंज रॉक हो सकते हैं, बिकॉज वीरू एक फ्लैंक के लिए आ चुके, उन्हीं के साथ मावी भी मार्चिंग कर रहे हैं इस वाले फाइनल सर्कल, बट जोन भी मार्चिंग कर रहा है, ऑरेंज रॉक के पास जोन भी है और ऑरेंज रॉक के पास वो कॉन्फिडेंस भी है, और एक वो जो ट्रेल बना के बैठे हुए चिकन डिनर की वो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस की स्काउट क्या यहाँ पे एक नो स्कोप निकाल सकते हैं, स्काउट लेफ्ट साइड से पीक जरूर, बट आपे सक्सी को डैमेज पड़ता है क्या वहां पे वो नॉकडाउन हो सकता है, बट अभी भी वीरू ट्राई कर रहे जीटर से सीख के रीलोड में गए हैं, सक्सी अभी भी खड़े थे वहां पे और स्काउट ने वहां पे नॉकडाउन करा, क्या ये वाला किल कंफर्म हो सकता है या तो फिर लक्सी वो किल अपना प्ले जोन को देंगे, बट स्काउट वहां पे वाला किल निकालेंगे विद दैट स्टाइल विद दैट K9 शॉट एंड ऑरेंज रॉक संतरी चट्टान यू कैन से विनिंग दैट विनर विनर चिकन डिनर इन दैट विकेंडी मैप एंड That too with a style. Yes, sir, बिल्कुल बहुत ही शानदार यहाँ पे ऑरेंज रॉक ने चिकन डिनर निकाला, एक पॉइंट पे बीटीआर को कंप्लीटली फोर्स इन कर दिया था, वहां पे उनका मूवमेंट का कोई भी एरिया नहीं बचा था, कोई गुंजाइश नहीं थी और बड़े बेहतरीन तरीके से वहां पे उनको फिनिश ऑफ करा, दैट इज ऑरेंज रॉक।